दोस्तों नमस्कार। देखिए, रीट एग्जाम जो होने जा रहा है वो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी खबर देखिए जयपुर से आई है। देखिए, इस बार परीक्षा में कोई चूक नहीं चाहता है प्रशासन और कोई चूक नहीं चाहते अभ्यर्थी, क्योंकि प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को चार शिफ्ट में इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। और देखिए, पहली शिफ्ट में लेवल वन की परीक्षा होगी और शेष तीन शिफ्टों में लेवल टू की परीक्षा का आयोजन। देखिए, परीक्षा के लिए 17 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अब देखना यह है कि इसमें से कितने परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। इस बार देखिए, जिला मुख्यालय पर रीट परीक्षा का आयोजन होगा, ऐसा फैसला लिया गया है। और परीक्षा व्यवस्था में केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी होगी और परीक्षा केंद्र भी सरकारी भवनों में ही अधिकतर होंगे, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। अतिरिक्त उन्हीं परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा जहां पर अब तक जो परीक्षा हुई है प्राइवेट परीक्षा केंद्रों में, जहां पर कोई व्यवधान नहीं हुआ है, जहां पर कोई नकल नहीं हुई है, जहां पर कोई नकल से जुड़े हुए उनके तार नहीं मिले, वहां पर सफलतापूर्वक अब तक परीक्षाएं संचालित हुई हैं, उन्हीं प्राइवेट परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा। तो देखिए, रीट एग्जाम प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है। ये परीक्षा रद्द हुई थी, आप जानते हैं, और ये परीक्षा फिर से आयोजित होने जा रही है 23-24 जुलाई को। तो यहाँ पर जिला मुख्यालय पर देखिए कड़ी व्यवस्था की जा रही है। एक तरह से जिस तरह से चुनाव के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करती है, उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है कि देखिए इस परीक्षा को लेकर कि कहीं ये परीक्षा आउट ना हो जाए, नकल गिरोह इसमें सक्रिय ना हो जाए, डमी अभ्यर्थी इसमें ना बैठ जाए, क्योंकि 17 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। और ये एग्जाम लगातार विवादों में रहा है। रीट परीक्षा जो अध्यापकों की परीक्षा है, तृतीय श्रेणी परीक्षा, अब देखते हैं इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे प्रशासन को किस हद तक सफलता मिलती है ताकि अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।